الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم नए से जुल्फे नए सा चेहरा नयों किसी पर शबह होगा नए से जुल्फे नए सा चेहरा नयों किसी पर शबह होगा जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा बरोज़ महशर है सीन सारे बरोज़ महशर है सीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतहाब होगा ये इतनी लाशें पड़ी हैं करबल ये इतनी लाशें पड़ी हैं करबल हुसैन का सर कहाँ है बोलो आवाज़ आई कहीं वो नेज़े पे पढ़ता अमल किताब होगा ना ऐसी जुल्फें ना ऐसा चेहरा ना जो किसी पर शबाब होगा नाम राबिया ज़हीर आपकी तालीम एमए एजुकेशन किया है और एमएड भी है माशाल्लाह स्कूल का नाम दी टाइनी सी स्कूल सिस्टम कितना अच्छा हो गया इस स्कूल को 5 years कंप्लीट हो गए 6 years स्टार्ट है हमारा तो किस तरह शौक हुआ कोई खानदानी बस की थी आपकी नहीं खानदानी तो नहीं कह सकते बट मेरा खुद का इंटरेस्ट था टीचिंग में और इस फील्ड में स्कूल से पहले मेरा 9 year एक्सपीरियंस रहा है और उसके बाद फिर मैंने स्कूल का स्टार्ट लिया कहाँ तक है स्कूल आपका 6th class अभी हमारी स्टार्ट है इस साल से हम अपनी क्लासेस को मूव ऑन कर रहे हैं तो इस साल हमने 6th class स्टार्ट की तो क्या मसाइल पेश आए अब तक आपके जब स्कूल साल की मसाइल कुछ ऐसा इतना तो नहीं है बट कुछ जो हमारे बार बार सिलेबस चेंज होता है उसका इशू रहा है इन टाइम हमें सिलेबस की बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती वो इशूज़ रहे फिर इस हवाले से भी फुल ईयर जो है ना वो गैप रह जाता है बच्चों का तो ऐसा और कोई ख़ास मसला नहीं बच्चों के वालदैन को शऊर है अवेयरनेस है यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियर हैं लाइक कुछ जगह हैं जैसे वो चीज़ नहीं समझ पाते लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ अगर हम जाएं अगर हम थ्रू आउट द ईयर उस पे चले जाते हैं तो उनका ये कंसर्न होता है कि ये सिलेबस कवर नहीं हुआ इतने मंथ गुजर गए इतना काम नहीं हुआ लाइक वो इस बेस पे रहते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जबकि हमारा मोटो ये है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और करना भी चाहिए प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए ज़्यादा मेरी जो ओपिनियन है तो इस हवाले से थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है पेरेंट्स की तरफ से कि सिलेबस कवर होना चाहिए लाइक जितने चैप्टर्स हैं वो सारे आने चाहिए बट मेरा कहना है कि चैप्टर्स आने ज़रूर चाहिए बट उसको प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म आना चाहिए लाइक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना जी कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को अपने स्कूल की तरफ से मैं अपने पेरेंट्स को यही पैगाम दूंगी कि आप डेली का वर्क बच्चों से डेली करवाएं उनको पंचुअल बनाएं और सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को इखलाकियात पे ज़्यादा वर्क करें लाइक आज के पेरेंट्स मोबाइल
हाथ में थमा के अपनी ड्यूटीज़ से साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे गैप्स नज़र आ रहे हैं। लाइक स्कूल में ठीक है, आपके स्टडीज़ भी जाती है, आपके बच्चे के डिसिप्लिन पे भी वर्क हो रहा होता है और उनके करेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना वो घर में होता है। तो घर में अगर हम मोबाइल और स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, और ये नज़र भी आ रहा है। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं इस हवाले से, बट इस चीज़ पे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल करना है या इम्प्लीमेंट करना है वो पेरेंट्स ने करना है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें, आपका टाइम उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, और आपका टाइम जब ज़्यादा मिलेगा तभी उनकी करेक्टर बिल्डिंग होगी, उनकी बिहेवियर में चेंजिंग आएगी। थैंक यू मैम, शुक्रिया।